1400 से अधिक मजदूरों को सकुशल उनके घरों पर पहुंचाने हेतु शासन द्वारा लगभग 60 रोडवेज बसों को फरुखाबाद बुलाया गया। डीएम मानवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार बसों के आने वाले लगभग 1400 मजदूरों में से 750 मजदूरों के ठहरने की व्यवस्था कायमगंज के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अमित आसेरी द्वारा कायमगंज के मंगलम गेस्ट हाउस, पीएन फाउंडेशन स्कूल एवं एसएनएम इंटर कॉलेज में एवं 300 मजदूरों के ठहरने की व्यवस्था शमशाबाद और 350 मजदूरों के ठहरने की व्यवस्था नवाबगंज में की गई है। रोडवेज बसों फरुखाबाद कायमगंज रोड स्थित हाजियापुर चौराहा पहुंचने पर नवाबगंज में जाने वाली बसों में मौजूद सभी लोगों एवं बच्चों को नगरपालिका कायमगंज द्वारा तैयार करवाए गए लंच पैकेट व पानी की बोतल ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अमित आसेरी, सीओ राजवीर सिंह और चेयरमैन सुनील चौक व आदिशासी अधिकारी सीमा सिंह तोमर, तहसीलदार भूपाल सिंह, नायब तहसीलदार पवन गुप्ता सहित पालिका एवं राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रदान किए गए। कायमगंज एवं शमशाबाद जाने वाली बसों के फैज बाग तिराहा पर पहुंचने पर शमशाबाद जाने वाली बसों में मौजूद सभी लोगों व बच्चों को शमशाबाद नगर पंचायत द्वारा तैयार करवाए गए लंच पैकेट व पानी की बोतल अधिशासी अधिकारी आशीष कुमार, चेयरमैन पुत्र विजय गुप्ता व पंचायत कर्मचारियों द्वारा दिए गए। टोटल 56 बसें कायमगंज के लिए आएंगी, उसमें राजस्थान के सभी जो यहाँ कायमगंज के फरुखाबाद के लोग हैं वो सब आएंगे। उनकी व्यवस्था हम लोगों ने अलग अलग जगहों पर करवाई है, उसमें से एक ये मंगलम पैलेस जो है ये भी एक स्थान था जिसमें लगभग 200 लोगों की व्यवस्था यहाँ पर कराई गई। अभी निरीक्षण किया गया जिसमें गद्दे और पानी की व्यवस्था और जो पंखे लाइट इन सब की मैंने गुणवत्ता देखी है तो सब ठीक पाया गया है और हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से यहाँ लोग रहेंगे। ये जो भोजन वितरण किया गया है किसकी तरफ से व्यवस्था की गई है सर? भोजन जो है नगर पालिका कायमगंज जो है और इनके द्वारा की जा रही है, इसके साथ साथ नगर पंचायत शमशाबाद को भी कहा गया है और ये भोजन की व्यवस्था इन लोगों को लिए है कि बसों में ही हम लोग उन लोगों को दे रहे हैं ताकि कोई आदमी छूट ना जाए यहाँ पर आने के बाद। ये जो मजदूर आ रहे हैं ये सारे राजस्थान के हैं जो मथुरा होते हुए फरुखाबाद पहुँचे थे और वहाँ से लगभग जो है 1100 लोग कायमगंज तहसील में आएंगे। तो हम लोगों ने 1100 लोगों के लिए जो है लंच पैक और पानी की बोतल तैयार की है और उसको भिजवा दिया गया है। मॉर्निंग में हमने इनके लिए चाय और नाश्ते की व्यवस्था की है और जहाँ जहाँ ये रुकेंगे सारे जो स्थल है वहाँ का हमने सैनिटाइजेशन करा दिया है और हाथ साफ करने के लिए हमने वहाँ साबुन की व्यवस्था करके रखी हुई है। पीने के पानी के भी हमने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं।